असलमैक नाजरीन, पाकिस्तान ख़बर टीवी के प्रोग्राम माइंडेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक नया अदालती और इंतज़ामी बहरान सार उठा रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह जज साहेबान ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान को एक खत लिखा दो दिन पहले ये खत लिखा गया उस खत के बाद एक भूचाल सा आया हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ जिसमें पंद्रह के पंद्रह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शिरकत की आज दो बजे प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब इज्जत चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फाइजी साहब उनके पास ले जाएंगे उनके साथ अटॉर्नी जनरल होंगे और उनके साथ इसके अलावा वजीर कानून मौजूद होंगे आजम नजीर तारड़ साहब कल से लेके जब से यह खत लिखा गया परसों कल भी इस हवाले से मीटिंग्स हुई आज फिर इस हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं और इम्कान है कि वजीरम से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस साहब एक बार फिर आज किसी वक्त भी दोपहर को या शाम को सुप्रीम जो कोर्ट का फुल कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का उस वो बुलाएंगे उसका इजलास बुलाएंगे जिसमें दोबारा तमाम जजेस जो हैं वो शरीक होंगे उसके बाद कोई फैसला मत हो क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट हुआ है उसका कोई इलामिया जारी नहीं किया गया वो बंद कमरे का अजलास था इन कैमरा था इवन जो है सिर्फ रजिस्ट्रार साहबा जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की उनको इजाज़त थी उस कार उस कार्रवाई का हिस्सा बनने की जो रीडर्स थे जो स्टाफ होता है जजेस का उनको भी नहीं बुलाया गया मिनट्स लेने के लिए बल्कि रजिस्ट्रार साहबा वहाँ पर मौजूद थी इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ढाई घंटे की तवील ये इजलास था जिसमें जज साहबान ने आपस में खुल के गुफ्तु की उसके बाद फिर आज ये फैसला हुआ कि वज़र अजम साहब मिलेंगे और उसके बाद शायद फुल कोर्ट का दोबारा इजलास होगा और तो की जा रही है कि शायद आज के फुल कोर्ट के रेफरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट बाहमी रजामंदी और हमांगी के साथ शायद कोई जुडिशल कमीशन तश्कील दे जो उन इल्जाम की तहकीकत करे जो के सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छः जजेस ने लगाए ये जो खत लिखा गया है ये दो हज़ार तेईस के वाकत के ऊपर मुश्तमल है पहला सवाल ये उठता है ये जो खत लिखा गया है इसके हवाले से इस वक्त चार पाँच सवाल जो हैं वो बुनियादी तौर पर गर्दिश कर रहे हैं सर उठा रहे हैं जेरे गौर हैं उसके ऊपर बहस हो रही है पहला सवाल यह है कि ये दो हज़ार तेईस के वाक़ हैं और नौ मई से कुछ पहले के हैं कुछ नौ मई के बाद के हैं उस वक्त चीफ जस्टिस थे जनाब उमर अतिया बद्याल साहब उमर अतिया बद्याल साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त के ये वाक़ हैं जज साहबान का कहना है कि हम उस वक्त हमने उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शायद उनसे भी बात की थी उन्होंने खतूत लिखे थे उन्होंने इस्लाम हाई कोर्ट के जो अमर फ़ारूक साहब है चीफ जस्टिस इनके नोटिस में भी लाए थे वो और उनका कहना है कि हम काजी फाजी साहब जो उस वक्त सीनियर तरीन जज थे उनके नोटिस में भी ये चीज़ें लेके आए थे लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उनका ये कहना है ख़त में जो छः जजेस हैं इन छः जज साहबान में सबसे जो सीनियर जज हैं इस्लाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद जना मोहसन अख्तर कीनी साहब वो भी हैं इसके अलावा जस्टिस तारक महमूद जहानगी हैं इसके अलावा इसके, इसके अंदर जस्टिस जो है अरबाब ताहिर हैं इसके अलावा जस्टिस जो हैं वो बाबर सत्तार हैं जस्टिस सुमन रिफत हैं जबकि एक और जज हैं ये छः जज साहबान हैं जिन्होंने मिल के ये खत लिखा है जो है सुप्रीम कोर्ट के मोज साहबान को और सुप्रीम जुडिशल कोंसिल से उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर हमें बताया कि क्या करना है और इसमें जुडिशल कन्वेंशन की जो है वो तजवीज़ दी गई है छः जज साहबान की तरफ से एक तो पहला सवाल ये उठा कि एक साल खामोश क्यों रहे दूसरा सवाल यह है कि ये मौजूदा टाइमिंग जो है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है ये कि यह खत किस इस वक्त ऐसे वक्त में लिखा गया जब दो रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो इमरान खान साहब को जो सजा हुई है उसके खिलाफ अपीलें सुन रहे हैं उसमें साइफर केस भी है उसमें तोशाखाना केस भी है और उसमें जो इद्दत के दौरान निका का केस है वो भी है अब ये तीनों केसेज जो हैं वो दो जायज साहबान सुन रहे हैं और ये दो ही जायज साहबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने इस खत के ऊपर दस्खत नहीं किए उसमें एक तो चीफ जस्टिस हैं ये ख़त है, ख़ुद चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ चार्ज शीट है और इसके अलावा जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब औरंगजो और हैं औरंगज़जेब वो मौजूद हैं उन्होंने भी इसके ऊपर साइन नहीं किए छः जजेज़ ने किए हैं दो जायज साहबान ने इसके ऊपर दस्खत नहीं किए और मजे की बात यह है एक सवाल यह उठ रहा है कि टाइमिंग क्योंकि चंद दिन पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का फैसला आया ये छह जज साहबान ने अपने खत में यह कहा कि हम ये खत अब इसलिए लिख रहे हैं कि शौकत अजीज केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो हमने उसके बाद सोचा कि क्यों ना अब हम ये मामला उनके उस नोटिस में लाएं और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले आपको ये खत यह खत साल पहले लिखना चाहिए था चीफ जस्टिस को और ओपन करना चाहिए था मज़े की बात यह है ये सवाल भी उठ रहा है कि यह खत जज साहबान की तरफ से ओपन क्यों किया गया मीडिया को जारी क्यों किया गया और उसके ऊपर एक पब्लिक डिबेट जो है वो शुरू कर दी गई जबकि कोई एक्शन नहीं हुआ था इस बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन का इंतजार किया जाता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाता उसके बाद ये खत पब्लिक किया जाता लेकिन जैसे ही खत सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया उसके साथ ही मीडिया को लीक कर दिया गया और उसके ऊपर फिर एक मीडिया के अंदर डिबेट शुरू हो गई इस खत को लेकर एक तो यह सवाल भी है एक और सवाल यह है कि क्या ये कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं वकुला भी उठा रहे हैं तजिया नगार भी उठा रहे हैं कि कहीं ये कोई खत जस्टिस मोहसर अख्तर क्या को बचाने की कोशिश तो नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ एक रेफरेंस पड़ा हुआ है इस वक्त सौ रेफरेंस नाजरीन पड़े हुए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये पिछले जितने भी जजेस थे जो भी रेफरेंस आता था उसको ये रख लेते थे फाइल में लगा देते थे कार्रवाई नहीं करते थे तो अब चीफ जस्टिस जो है मौजूदा काजी फायजीसा साहब इन्होंने इन रेफरेंसेस के ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू की हैं कुछ खारिज किए हैं कुछ को नोटिस जारी कर रहे हैं तो अब नंबर लगने लगा था जस्टिस मोहसन अख्तर क्या का और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि एक तो जज होते हुए एक हाउसिंग सोसाइटी में अठारह फीसद शेयर के मालक हैं जबकि उनके जो असासे हैं उनको लेके भी उसी किस्म का सवाल खड़े हैं जिस किस्म के सवाल अली नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनको बरतरफ कर दिया गया करप्शन और असासों की बुनियाद पर नजायज असासों की बुनियाद पर इसी तरह का मामला जस्टिस मोहसन अख्तर नकवी साहब जो है मुख्त जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के साथ हैं वो रेफ़रेंस में शदीद नौत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके ऊपर उस रेफरेंस की समात होनी है तो उससे पहले ही एक प्रीएमटिव स्ट्राइक की गई है ये सवाल भी उठाया जा रहा है इसके अलावा ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अब ही क्यों आई एफ आई को निशाना बनाया जा रहा है एक ऐसे माहौल में जबकि इमरान खान साहब के खिलाफ दो रुकनी बेंच इस्लाबाद हाई कोर्ट का अपीलें सुन रहा है कहीं उनको दबाव में लाना मकसूद तो नहीं है और कहीं ये ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस खत का मकसद आर्मी चीफ और डी जी आई एस आई के खिलाफ नया महाज खोलना है क्योंकि ये सारी वही बातें जज साहबान ने लिखी हैं और की हैं जो वही मौका अख्तियार किया है जो कि तहरीक इंसाफ का मौका तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये हम ये खत हमारे दरअसल हमारे मौक़ की तईद है उसको तकवीत मिलती है और ये उसको भी इंडिकेट करती है जो हम मौका अख्तियार कर रहे थे कि नौ मई से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है तो ये एक तरह से तरीक साफ का जो बनिया उसका मौकफ़ है उसको तकवीत देता है इसके अलावा यह सवाल भी उठ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले बुशरा बेगम साहबा ने गुफ्तू करते हुए अड्याला जेल में अदालत में जब एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस का जो रेफरेंस की समात थी तो उन्होंने समात के बाद साफियों को कहा कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ और उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर संगीन नौीय के इल्जाम लगाए इमरान खान साहब को लेकर तो ये लगता यह है कि एक तसलसल है वाक्यात का और एक जो है वो बयानिया बनाया जा रहा है बयानिया खड़ा किया जा रहा है चीफ जस्टिस साहब भी को भी लपेटा जा रहा है उसमें इस खत का इसके अलावा और तो कोई मकसद नजर नहीं आता अगर मकसद बैरूनी मुदाखलत का खात्मा था मकसद एजेंसियों की मुदाखलत का खात्मा था तो एक साल पहले इनको स्टैंड लेना चाहिए था इंडिया में चार जज साहबान खुश नहीं थे चीफ जस्टिस से उन्होंने बार बार चीफ जस्टिस साहब को कहा कि आप ऐसा मत करें वो जब नहीं माने तो उन चारों चीफ जस्टिस जो जज साहबान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ जस्टिस के खिलाफ वो मीडिया में गए और उन्होंने खुल के अपना मौकफ जो है वो पेश किया तो ये एक साल खामोश क्यों रहे अब ये एक माहौल बनाया जा रहा है एक बयानिया बनाया जा रहा है और उसका निशाना जो है वो तीन शख्सियात हैं चीफ जस्टिस हैं काजी ईसा फाजीसा साहब दूसरे नंबर पर आर्मी चीफ हैं तीसरे नंबर पर डी जे आसाही है तो इसके हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं अब होना क्या चाहिए होना ये चाहिए कि इस वाक्य की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए इस खत के में जो इल्जाम लगाए गए हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सिर्फ इस तक नहीं बल्कि एक ब्रॉडर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ टी के साथ एक हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर दो तीन चार पांच जजेस के ऊपर मुश्तमल हो वो मुकम्मल तौर पर थारोली इन चीजों का जायजा लें और जो मुदाखलत के इल्जाम हैं इसको संजीदा लिया जाना चाहिए अदलिया की आजादी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए लेकिन अदलिया की आजादी के ऊपर उस वक्त भी कॉम्प्रोमाइज होता है जब जजेस करप्शन करते हैं जब जजेस मेल प्रैक्टिस में, में हिस्सा लेते हैं जब जजेस इंसाफ नहीं करते जब जजेस एक मखसूस पार्टी को एक मखसूस जमात को मसलन इस्लामाबाद जज साहब हैं, सबसे ज्यादा रिलीफ इन्होंने पिछले एक साल में तहरीके इंसाफ को दिया ब्लैंकेट रिलीफ मिला है। कहा है कि जो केसेस तो है उसमें तो आप गिरफ्तार करेंगे ही नहीं जो केसेस आप दर्ज करना चाहते हैं आप उनके अंदर भी गिरफ्तार नहीं करेंगे पिशावर हाई कोर्ट हो लाहौर कोर्ट हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो बे अनप्रेसिडेंटेड नाकबले नज़ीर इंसाफ मिला है रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को इसके बावजूद कि जाग साबान कहते हैं हमारे ऊपर बहुत दबाव था हम बहुत ज्यादा दबाव में थे तो ये जो सारी कैफियत है ये डिमांड करती है ये इस बात का तकाजा करती है कि एक हाईली पावर्ड अख्तियारती जुडिशल कमीशन बने और वो इन तमाम इल्जाम की तहकीकत करें और अगर कुछ लोग इसके अंदर इन्वाल्व हैं मैनेज करने की कोशिश की अदलिया को उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अगर ये जायज़ साबान के इल्जाम गलत साबित होते हैं तो इन जायज़ साबान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान में अदलिया की समत दुरुस्त होनी चाहिए अदलिया का काम है बिला रंग बिला नसल बिला अकीदा बिला मजहब बिला नसल पाकिस्तान पाकिस्तानियों को बराबर का एक जैसा इंसाफ फ्राम करना जो कि पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा ना सस्ता इंसाफ मिल रहा है ना सबको यकसा इंसाफ मिल रहा है इशराफिया के लिए मैार और है आम पाकिस्तानियों के लिए मैार और है आम लोग बीस 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 तीस तीस साल जो है वो अदालतों के चक्कर काटते हैं जूते घस घिस जाते हैं एक के बाद दूसरी नस्ल आ जाती है दादा के बाद पोता केस प्रस्यू कर रहा होता है फैसले नहीं होते कई कई साल तक फैसले नहीं होते और पैसा चलता है रिश्वत चलती है ये सबको पता है कि निचली अदालतों में क्या होता है ये भी पता है कि ऊपर क्या होता है किस तरह से असरअंदाज हुआ जाता है किस तरह से अपने वकला के जरिए अपने चैम्बर के वकला के ज़रिए असरअंदाज हुआ जाता है ये सारे मामलों हैं इन सब मामला की तहकीक होनी चाहिए और अदलिया को हर किस्म की करप्शन हर किस्म के आलूदगी वो मालियाती हो या दूसरी हो हर तरह के लालच और हर तरह के दबाव से आज़ाद होना चाहिए और ये देखे बगैर फैसले करने चाहिए कि ये किस पार्टी से ताल्लुक रखता है किस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता अदलिया को सियासी इंतकाम लेने का जरिया नहीं होना चाहिए टूल नहीं होना चाहिए तो ये सारे मामलों के ऊपर एक अली इख्तारती कमीशन बैठना चाहिए वो कमीशन बात करे वो तहक़ीक़ात करे फिर उसके नतज को पब्लिक किया जा, उसको जा, जाए उसको छुपाया मत जाए हकायक सामने लाए जाएं। अगर ये इल्जाम दुरुस्त हैं तोमेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो अगर ये इल्जाम गलत हैं तो इन जाय साबान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन इन सब का मकसद बिल्कुल हारगज ये नहीं है कि जस्टिस मोहसन अख्तर क्या साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है उसके ऊपर भी फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए और ये जो फ़ैसले हैं इमरान खान साहब के इंसाफ होना चाहिए किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से और ये इंसाफ और कानून के मुताबिक जो है और आइन के मुताबिक इन केसों के फैसले होने चाहिए मेरिट पे फैसले होने चाहिए इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी और के साथ भी ज्यादती नहीं होना चाहिए लेकिन ये एक नया पिंडोरा बॉक्स नया कट्टा जो है ये खुल गया है इस खत के बाद अब इसको कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए बल्कि एक मुकम्मल तहकीक़ होनी चाहिए मुकम्मल इसकी तहकीकत होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद हक़ जो हैं वो सामने आने चाहिए और बैरूनी मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए वो किसी भी तरफ से है वो इंतज़ामिया की तरफ से है या वो इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से है या वो इस्टेबलिशमेंट की तरफ से है या वो अदलिया के अंदर से वकला की तरफ से किसी और तरफ से है तो ये सारा मामला ख़त्म होना चाहिए अदलिया में लोगों का अहतम बहाल करना चाहिए फौरी और सस्ते इंसाफ का बंदोबस्त होना चाहिए ताकि आम पाकिस्तानी सुकून का सांस ले पाकिस्तान में इंसाफ़ सस्ता हो जाए फौरी हो जाए लोगों के पचास फ़ीसद मसायलें वो हल हो जाए ये जो कलोनियल सिस्टम हम ले कर चल रहे हैं डेढ़ सौ साल पुराना इसके अंदर बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि आम पाकिस्तानियों को इंसाफ़ मिल सके वो भी अदालतों में जाते हुए उनको ये यतमाद हो कि अगर उनके पास पैसे नहीं है उनके पास वकील तगड़ा नहीं है तो उनके साथ नासाफ़ी नहीं होगी उनके साथ जुल्म नहीं होगा बल्कि उनके साथ अदल और इंसाफ पे मबनी फैसला होगा अब तक के लिए इतना ही बहुत शुक्रिया